वेलकम टू ज्योतिष ज्ञान माला चैनल। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी ट्रैवल लाइंस के बारे में और मैरिज लाइन के बारे में। आज हम बात करेंगे धन रेखाओं यानी कि मनी लाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें अपनी हथेली के शनि स्थान को, ये जो मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे का स्थान होता है फ्रेंड्स, ये स्थान हमारी हथेली का शनि स्थान कहलाता है। तो शनि स्थान चूँकि धन कारक माना जाता है, इसलिए इस स्थान पर पाई जाने वाली रेखाएं या हथेली के किसी भी स्थान से निकलकर यहाँ पहुँचने वाली रेखाएं मनी लाइन या धन रेखाएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों के हाथ में इस तरीके से दो खड़ी रेखाएं शनि स्थान पर होती हैं, तो वो रेखाएं परमानेंट मनी लाइन कहलाती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ये रेखाएं होती हैं, उन्हें अपनी लाइफ लॉन्ग कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है और ऐसा पैसा उन्हें बहुत ही सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हथेली के किसी भी स्थान से यदि यहाँ से कोई रेखा निकलकर यहाँ जाती है, जैसे कि ये लाइफ लाइन है, यदि इसके बाजू से यहाँ से एक रेखा निकलकर फ्रेंड्स ये शनि स्थान पर पहुंचती है, तो ये पिता द्वारा मिलने वाली संपत्ति या प्रॉपर्टी की तरफ संकेत करती है। इसी तरह यदि लाइफलाइन से कोई रेखा निकलकर शनि स्थान पर पहुंचती है जैसे ये, तो ये उस व्यक्ति की खुद की मेहनत से कमाए हुए धन को शो करती है। फ्रेंड्स, यदि हथेली के चंद्र स्थान से, ये हथेली का चंद्र स्थान होता है, यहाँ से यदि कोई रेखा निकलकर इस तरीके से शनि स्थान पर पहुँचे, तो ये शो करती है कि उस व्यक्ति को पत्नी के द्वारा संपत्ति मिलती है, या फिर कोई रेखा यदि चंद्र स्थान से निकलकर इस मनी लाइन में जुड़ जाए, तब भी सेम फल देने वाली होती है। फ्रेंड्स, इसी तरह यदि शुक्र स्थान से, ये हथेली का शुक्र स्थान कहलाता है, तो शुक्र स्थान से यदि कोई रेखा निकलकर इस तरीके से शनि स्थान पर पहुंचती है, या फिर शुक्र स्थान से निकलकर वो मनी लाइन में जाकर जुड़ जाती है, तो भी ये शो करती है कि ऐसे व्यक्तियों को ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति की हथेली में यहाँ बीच के स्थान से, यानी कि ये राहु का स्थान कहलाता है, यहाँ से यदि कोई धन रेखा निकलकर फ्रेंड्स इस तरीके से ये कोई रेखा निकलकर हथेली के बीच से शनि स्थान पर पहुँचती है, तो ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति गलत रास्ते से धन कमाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि कोई रेखा हथेली के किसी भी स्थान पर, छोटी सी रेखा भी हो यदि वो खड़ी रेखा, और वो शनि स्थान की तरफ देख रही है, ऐसी रेखाएं भी धन रेखाएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि कोई रेखा बीच में से कट जाती है, तो वो ये शो करती है कि ऐसे व्यक्तियों को बीच के कुछ वर्षों में धन का अभाव होता है, किंतु रेखा वापस पुनः जुड़कर शनि स्थान पर पहुँच रही है, तो ये बाद में पुनः धन प्राप्ति की तरफ संकेत करती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी धन रेखाओं या मनी लाइन के बारे में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एवं ज्योतिष, वास्तु और हस्त रेखाओं से संबंधित जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।